कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने, कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। The Prime Minister campaigning in Asansol said he was delighted, I think the word was elated, to see the large crowds that had gathered at his rally. मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। This on a day when India has reported over 2 lakh coronavirus cases for the third consecutive day. पहले 10 लाख केस 231 दिन में हुए, आखिरी 10 लाख केस 19 दिन में हुए थे। कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में तो खुद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि जिले में अभूतपूर्व कोविड संक्रमण फैल गया है। जिले की व्यवस्था चरमराती दिख रही है, अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही, जांच नहीं हो पा रही। ये तस्वीर अहमदाबाद की है जहां पर सिविल अस्पताल के बाहर 108 एम्बुलेंसेस की लाइन लगी हुई है। इनमें कोरोना मरीज हैं जिनको अस्पताल लाया गया है, लेकिन अंदर भीड़ इतनी ज्यादा है कि मरीजों को 6 से लेकर 8 घंटों तक एम्बुलेंस में ही इंतजार करना पड़ रहा है। गुजरात के बाद चलते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर। यहाँ एक बेटा 24 घंटे तक अस्पतालों के चक्कर काटता रहा कि अपने पिता को भर्ती करा सके। बेटा चंद्रपुर से तेलंगाना ले गया, वहां भी बेड नहीं मिला तो वापस लौट आया, फिर यहाँ भी वापस चंद्रपुर में बेड नहीं मिला। गाड़ी में का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है, अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो ना, मैं इनको घर ले जा सकता और ना यहाँ पे बेड मिल रहे। झारखंड की राजधानी रांची में ये विलाप उस बेटी का है जो अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल की पार्किंग में आधे घंटे तक वो इंतजार करती रही और जब किसी तरह पिता को डॉक्टरों के पास पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रहे, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। ठीक उसी वक्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल के दौरे पर थे। ये बेटी जब अपने पिता के शव को लेकर अस्पताल से बाहर निकली तो मंत्री जी के सामने उसका दर्द स्वाभाविक तौर पर फूट ही गया। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दौरे के समय एक मरीज के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। जिस समय स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज का दौरा कर रहे थे उसी समय अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार कर रहे एक कोरोना मरीज की गाड़ी में ही मौत हो गई। पापा बहुत सीरियस में थे, हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना तो धूप में छोड़ दिए पापा को। कुछ इलाज नहीं हो रहा है सर, कोई मतलब नहीं है, ना कोई देखने वाले नहीं है, डॉक्टर भी बोलते हैं हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े भीमराव अंबेडकर सरकारी अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ है। अस्पताल के जिस हिस्से में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के शव रखे हैं वहां फ्रीजर में शव रखने की जगह अब नहीं बची है। कुछ शव खुले आसमान के नीचे धूप में स्ट्रेचर पर हैं तो कुछ अंदर अस्पताल में ही जमीन पर रखे हुए दिखे। बॉडी पूरा बाहर में है सर, देखने वाले कोई नहीं है यहाँ। रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल में शवों को ले जाने के लिए अब ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई शहरों से खबरें और तस्वीरें आ रही हैं जहां अस्पतालों में जगह की कमी है, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, शमशान में भी जगह की कमी दिखाई पड़ रही है। हालात सभी जगह बुरे हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोरोना से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। सरकार की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन और शमशान घाट के आंकड़े बिल्कुल दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें क्या चीख चीख कर नहीं कह रही कि हमारा स्वास्थ्य का ढांचा जो पहले ही कमजोर था अब कोरोना के दबाव के आगे चरमराने लगा है। कि भाई जब हमने जिंदगी भर लड़ाई मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के लिए लड़ी है तो हम सरकार से बेड अस्पताल की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं, वो रातों रात चमत्कार क्यों करेगी। हमको जो चाहिए था वो तो दिया ना उसने,
ध्यान रखिए, अगर कुंभ को लेकर भी सतर्कता नहीं बरती गई तो तस्वीर भयावह हो सकती है। पता नहीं अब तक कितने लोग कोरोना की चपेट में वहां आ चुके हों। ये तस्वीरें गवाह होंगी अगर कल इस भीड़ से कोरोना विस्फोट हो जाए। कहां से करेंगे उनके इलाज के इंतजाम? पहले ही सारा ढांचा चरमरा रहा है। इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए। एक तस्वीर बता दीजिए मुझे कुंभ में जहां पर 2 गज की दूरी हो रही है या आदमी ने मास्क पहना है और जो कोविड 19 का जो वो है नियम और नियमावली है उसके साथ में जो धार्मिक भावना है वो कोविड 19 कानून से ऊपर होती है। मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोविड से ऊपर होती है लोगों की धार्मिक? बिल्कुल है, धार्मिक भावनाएं ऊपर है, श्रद्धा ऊपर है। तो श्रद्धा जो है वो कोविड की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनसे ऊपर है। अभी यही चीज कोई और धर्म का बोल दे तो? अब मैं ये भी बता रहा हूँ, ये सारे मौलाना जो प्रौढ़ी मौलाना है जो संक्रमण करने के लिए दृष्टिकोण से आए थे वो सब जेल में सड़ेंगे, उनको पुलिस पकड़ पकड़ के लेके जा रही है। लोग जो कुंभ में जा रहे हैं, हम भी कुंभ में शाही स्नान में गए थे तो वहां बिल्कुल हमने सावधानी बरती। आप ये गारंटी ले सकते हैं कि वहां पर लोगों को कोरोना नहीं होगा? गारंटी तो व्यक्ति की अपनी नहीं है, क्या किसको हो जाए, हम किसी की रात पैर भी कर रहे थे। फिर आप मुझे ये बताइए कि आपके प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं, वो पॉजिटिव हो गए हैं, और इतने सारे बड़े बड़े नेता, लखनऊ की क्या बुरी स्थिति है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं, क्या बुरी स्थिति है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लोग जो कुंभ में जा रहे हैं, हम भी कुंभ में शाही स्नान में गए थे तो हाँ बिल्कुल हमने सावधानी बरती। फ्यू मोमेंट्स लेटर, क्या बुरी स्थिति है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आस्था का विषय तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप विज्ञान की नहीं सुनेंगे तो आस्था के केंद्र से लोग बीमार हो के लौटेंगे। अरे वहां लोग कोरोना की मांग कर ये जा रहे हैं कि भगवान इस कोरोना को खत्म करो। नहीं, ऐसे करेंगे एकत्रित होके, कोरोना को यही तो चाहिए। मैंने पहले भी कहा था ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है। क्या हरिद्वार में जुटे ये श्रद्धालु वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे? इस भीड़ में जाने किस किस के भीतर कोरोना का वायरस छुपा। आप 27 तारीख का गंगा माँ का स्नान करिए, लास्ट कुंभ है अब, और देखिए वहां कितनी शक्ति मिलने वाली है फिर आपको। मैं तो बस यही जानता हूँ कि ये जो भी अपार शक्ति की आप दिव्य शक्ति की बात कर रहे हैं वो हमारे डॉक्टरों को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न होने वाली है और हर डॉक्टर यही चीज बोलेगा कि इस तरीके के जमावड़ा यही चाहिए कोविड को, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे हमारे डॉक्टर कैसे निपटेंगे, उनको ये शक्ति चाहिए। जब अस्पताल में कोई भी मरीज होता है, हमारे घर का मरीज भी है, हम भी मरीज होकर बने कई बार, तो बाद में डॉक्टर भी ये कहता है कि भगवान पे छोड़ दीजिए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए। तो सरकार का इंतजाम बहुत अच्छा है, जो मौत से बच जाए वो अपनी खैर मनावे। कोविड आज का दिन में नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करें? जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल गए नेताजी जी? कि धुंधमय आकाश का मौसम है मेरे देश में और मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में, और शोर कैसा भी हो सुनने में नहीं आएगा अब, और इस कदर उल्लास का मौसम है मेरे देश में, और चुप रहो या कीर्ति गाओ और तुमको पूरी छूट है, और अब खुली बकवास का मौसम है मेरे देश में। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह वाह वाह। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं।